कितने कितने फ्लोर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 6 फ्लोर्स ऊंचा है। बस खुश। तो ऐसे मतलब जैसे फुलझड़ी वाला डब्बा होता है। हाँ वैसे ऐसे ही आती थी वो। ये छोटे साइज वाली होती थी, ये बड़े साइज वाली होती थी। जी 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 जी। साल की शुरुआत कर रहे हैं, ट्रक को करके आ गए हैं साफ और थोड़ी सी गाड़ी भी साफ की हमने आज। और अभी पहला स्टॉप है हमारा एनी टाइम फिटनेस। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पे शावर लेने लगे हैं, शावर लेके फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। हाँ शावर, ओ सॉरी, एक्सरसाइज भी करेंगे पहले, फिर करेंगे लेंगे शावर। तो चलो करते हैं नए साल की शुरुआत पाल और पूजा के साथ। अभी हमने एग्जिट ले लिया है, 154 नंबर ये एग्जिट है। और एग्जिट लेके हमने जाना है सीधा ही, तो हम जा रहे हैं टोरंटो ईटन सेंटर। सीएफ का क्या फुल फॉर्म होगा पूजा? पता नहीं, देखेंगे हम क्या फुल फॉर्म है इसका। सीएफ ईटन सेंटर कम फ्रीक्वेंटली। हाँ जी, हो सकता है वैसे। yeah. No doubt. देखो आज पूजा आपकी किस्मत में कोई कॉफी शॉप खुला हो, कैफे। yeah. टिम होटल वगैरह तो खुला है, लेकिन जहाँ हमने जाना नहीं। टिम क्या करने जाना है? बट यार मैं ऑलरेडी 2 कप कॉफी तो पी चुका हूँ। तो आपको किसने बोला था? आपको नहीं पता आपने मेरे साथ भी पीनी है कॉफी। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? हाँ जी, उधर जाना था हमने जहाँ बस गई। इसमें डालू ही ना, मुझे ये एप्पल मैप्स जो है मुझे नहीं अच्छा लगता यार, मुझे नहीं अच्छा लगा। चल नहीं रहा जो अच्छे से, पर इन्होंने ज्यादा ही वो 3D वाला काम कर दिया, समझ नहीं लग रही। ये गूगल मैप सही है, कौन कौन एग्री करता है? इधर आ जाओ, लेन बंद हो रही है। कि गूगल मैप्स ज्यादा सही है रेदर देन एप्पल मैप। यहाँ भी कोई इवेंट है? इवेंट पार्किंग कहाँ लिखा है? वो लिखा था पीछे। नहीं, कल वीकेंड पे होते हैं इवेंट सारे। जी भी है, आज तो मंडे है, आज कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, वो देखो क्रेन कहाँ लगाई हुई है इन्होंने। है ना, है ना। ओ फिश, ये देखो पाल जी, क्या फिश? फिश इतनी अच्छी फिश की पेंटिंग बनाई है। और ये हम जा रहे हैं ईटन सेंटर की पार्किंग में। ये अच्छा है, वो सड़क सीधा अंदर एंटर होती है ना पाल जी, पार्किंग में। हाँ जी, कितनी पार्किंग होती है यहाँ पे? मालूम नहीं, निकलते वक्त पता चलेगा। चलो आप आगे ध्यान दो, पिछली बार एक गाड़ी गलत आ गई थी याद है? वो इधर नहीं था। हाँ, वो हम खाने गए थे उधर था, जो तुम्हारे बर्थडे पे ऊपर गए थे। लेवल फुल यार, इतने आ भी गए हैं। बड़े भी पहले लेवल पे तो आए हैं हम। स्टिल यार 12:30 हुए हैं अभी तो। लो ये दूसरा खाली है, शुक्र है। जे रही मिल गई। रिजर्व्ड। तो जो अब हम पर्सनल व्लॉग बनाया करेंगे ना, उसे हम नाम देंगे पाल पूजाज लाइफ। लेट्स सी, आप बताएं क्या लिखा करें, लाइफ ऑफ पाल पूजा या पाल पूजाज लाइफ? पिछली बार भी हमें इधर ही मिली थी पार्किंग पाल जी। हाँ, यहाँ से लगा के और इधर से निकल गए थे। हाँ, इधर इस बार बंद है, ये बंद किया हुआ इन्होंने, वो पीछे जाना पड़ेगा। ये पार्किंग है? पार्किंग नहीं है ये, पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने। अच्छा, ये लोग लग भी गई। चलो फिर, पहले कहाँ जा रहे हैं हम पाल जी? आप मुझे लेके आए हो, आप कह रहे हो कुछ दिलाना है आपको नए साल पे। मैंने तो कुछ नहीं दिलाना आपको,
ये क्या बात हुई, फिर इतनी दूर क्यों लेके आए हो? Look at this. चलो पाल जी, आप यहीं पर रुक गए हो? हाँ चलते हैं, लेकिन पहले सुसु ढूंढ लें। सुसु तो आपके पास है, जहाँ पे निकाल लें वो ढूंढ रहे हैं। हाँ वो ही ढूंढ रहे हैं। ये क्रिसमस ट्री, कितने कितने फ्लोर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 6 फ्लोर्स ऊंचा है। तो मैं पाल को लेके आई हूँ एप्पल के स्टोर में, और यहाँ से पाल जी को लेके देंगे हम एप्पल वॉच जो नई वाली आई है अल्ट्रा। एंड पाल जी की खुशी देखो, अभी पाल जी पहन के देख रहे हैं, अच्छे से आती भी है ना, कैसी लग रही है हाथ पे पहनी हुई, तो अच्छी लग रही है, साइज भी ठीक है, और 1300 कुछ डॉलर बन गए हैं इसके। एंड ये पाल जी को उनका गिफ्ट मिल गया। बोलो कुछ। क्या बोलूं? आपने मेरा मुंह ही बंद कर दिया। मैं कब का लेने की सोच रहा था। दिखाओ जरा। पर आप आज कैसे मन बन गया आपका? कब से तो कह रहे हैं लेनी है, फिर मैं चलो ले लेते हैं। यार मालूम क्या होता है कि जहाँ तो सितंबर में ले लो, अगर सितंबर हाँ। निकल गया फिर होता है यार अगली सितंबर दोबारा से आ रही है, नई वाली आ रही है, तो इसका क्या करना है, रहने देते हैं। तो देखते हैं हम डाल के कैसी लगती है। तो पाल जी ने मतलब एंड्रॉइड फोन छोड़ के एप्पल फोन लिया, इसीलिए था कि पाल जी एप्पल वॉच ले सके। और अभी एप्पल फोन लिए को 1.5 साल हो गया ना, और एप्पल वॉच ली नहीं थी। चलो आज ले ली फाइनली। अभी आपकी वॉच लेते हैं, चलें देखते हैं मैंने लेनी है कि नहीं लेनी, देखते हैं। चलो और अभी हम टोरंटो से निकल ही रहे थे कि हाईवे चढ़ने के लिए इतनी ट्रैफिक लगी हुई है। क्या हुआ पाल जी, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ एक ही गाड़ी है। ओह शिट, कहाँ मारी? ओह नहीं मारी नहीं बेचारे ने। हाँ अगला टायर फट गया। ओहो शिट, फटा भी कहाँ, टोरंटो में 2 लेन्स ब्लॉक कर दी उसने। चलो उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ टायर फटा है बस। हाँ अगर मे भी मालूम नहीं है, मे भी अगर स्नो टायर ना हुआ तो मे भी चक्कर ना डालें कोई। पर अभी स्नो तो नहीं है। वही स्नो तो है नहीं है, मे भी क्या मालूम है, टिकट ऑफिसर पे डिपेंड करता है, अगर टिकट देने का मन हुआ उसका। बट माड़ा हुआ यार बेचारे के साथ। अभी हम फूड उठाने आए हैं। वैसे तो हम इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत रेयर जाते हैं, बट यहाँ का हमें चिकन बहुत पसंद है। तो अभी हम आए हैं मोगा मीट। यहाँ से लास्ट टाइम पाल जी ने लच्छा पराठा ट्राई किया था इनका, फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा ना आपको? जी। लाइक प्रॉपर लच्छा पराठा जो होता है ना, वो बनाया था इनका। इवन लाइक रेस्टोरेंट्स में हम जो जाए ना, बैठ के खाना खाते हैं, डाइन इन करते हैं, उनका गार्लिक नान, लच्छा पराठा, कुछ भी खाओ इनके जैसा अच्छा नहीं होता। इवन इनका टेक आउट का काम है, डाइन इन का भी इतना काम नहीं है, पर इनसे अच्छा गार्लिक नान मैंने आज तक नहीं खाया। तो ये शॉप है इनकी, हमने ऑर्डर कर दिया, अभी बस हम जाएंगे उठा के आएंगे, लेके आएंगे, और फिर हम चलते हैं होटल में। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम फुल टाइम ट्रक में रहते हैं, तो इस बार हमारा ट्रक ठीक होने जाना है ना, तो हम होटल लेंगे, और वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है सब कुछ। तो ले आई है पूजा सामान, हमारी रात की रोटी, ये गरम गरम दोपहर और रात की। सर्दियों में ये गरम गरम पकड़ के मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, गर्मियों में मेरे को इसको पकड़ना अच्छा नहीं लगता। ओहो चलो अभी चले, बस खुश। जो मजा होटल में आता है ना सोने का, जो ये मुलायम मुलायम गद्दे हैं, घर भी इतना मजा नहीं आता। लेकिन हाँ ट्रक में तो आता ही आता है, लेकिन ट्रक के बाद होटल्स आर द बेस्ट बेस्ट। तो आज हम हैं हॉलीडे इन एंड स्वीट्स में। टॉवल्स भी होते हैं एंड शैम्पू वगैरह तो सब कुछ होता ही है। तो ऐसे क्लोजेट में कपड़े प्रेस करने के लिए होता है, हैंगर्स होते हैं, और इन्होंने एक फ्रिज भी दी हुई है साथ में, एंड माइक्रोवेव होता है साथ में, आइस डालने के लिए होता है, कप्स वगैरह भी रखे होते हैं।
एक और बात पूजा जी। हाँ जी। जैसे अभी हमें मालूम है कि हमने ना होटल लेना है yeah. तो फिर मालूम क्या लालच होता है क्या के 3 बजे स्टार्ट हो जाता चेक इन हाँ. तो पैसे देने हैं रात के हाँ. तो 3 बजे ही चले जाए, उससे पहले पहले काम सारे अपने फिनिश कर ले हाँ. मुझे नहीं याद कि जब हम रूम में रहते थे हाँ. तो कभी हम ऐसे लेट गए हों 3 बजे ही, हाँ हमें 6-7 तो बज ही जाते थे, रात हो जाती थी। और मतलब यार आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं नहीं घर तो होना चाहिए, यार जिस जिनका काम ही ऐसा है कि वो एक दिन घर आ रहे हैं, मैं कहता हूँ होटल्स आर द बेस्ट, आपको कुछ नहीं करना, कोई सफाई नहीं कुछ नहीं करना, आओ रहो, सुबह ब्रेकफास्ट लगाए, खाओ जाओ। ओहो जो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कितना मजा आता। और एक और चीज पाल जी, जी। मैं दिखा दूं सबको क्या टीवी वाली नो दैट्स आवर हैक। ओ यस होटल हैक्स। तो हमने एक होटल हैक निकाला है, सबके लिए बड़ी अच्छी चीज है, वन टाइम परचेज है, जितनी बार होटल में जाओगे ना आप हमें याद करोगे। कमेंट करके बताओ पहले आप जानना चाहते हो फिर हम बताएंगे। नहीं बता देते हैं। नहीं ऐसे नहीं बताएंगे, कमेंट करो। चलो फिर अगले किसी होटल में जब जाएंगे ना तब बताएंगे, पर अगर इस पे कोई कमेंट आएगा तभी बताएंगे, ऐसे नहीं बताना आपने। मतलब पैसे वसूल हो जाते हैं ये कह सकते हो आप। पूजा मेरी घड़ी दो, ओपन करें घड़ी, नई घड़ी ये लीजिए। ये एक और चीज दिखाऊं? दिखाओ। अब्राकडाब्रा ये पूजा की घड़ी है। ये मेरी है, मैं एंड्रॉइड यूज करती हूँ तो मैंने सैमसंग वाली ली है, पाल जी एप्पल यूज करते हैं तो पाल जी ने एप्पल वॉच ली है। तो फिर खोले पाल जी। जी चलो चलो। तो ये होता है अगर आप दो जाने हो ना हस्बैंड वाइफ, खोलो पहले अपनी, खोलते हैं पहले बात कर लें। नहीं, मैं अच्छा। कि जैसे मैं कहने लगा आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो ये अच्छा है, पहले हम दोनों जैसे एंड्रॉइड यूज करते थे हाँ। तो वो लाइक पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये अच्छा है एक एप्पल यूज करे दूसरा एंड्रॉइड यूज करे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मतलब जैसे अगर आपने भी व्लॉगिंग वगैरह करनी है या कुछ भी और करना है तो ऐसे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, अगर आपके दोनों आपके पास दोनों चीजें हैं, मैक भी है और एंड्रॉइड भी है, राइट? तो पहले इसको ओपन करते हैं जी, एंड इसका रिव्यू वगैरह हम बाद में देंगे, थोड़ा हाँ। यूज कर लें क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करने लगे हमें खुद को नहीं मालूम मैं तो कभी इतनी घड़ी पहनी भी नहीं, आई कि मैं पहन भी पाती हूँ कि नहीं। तो बेसिकली यही देखते हैं इसमें आता क्या क्या है हाँ। और रिव्यू फिर इसका हम हफ्ते बाद करेंगे यूज करके हाँ। नहीं 2-3 हफ्ते बाद हाँ। चलो पहले आप अपनी घड़ी खोलो। चलो ऐसे लग रहे थे फुल झड़ी वाला डब्बा होता है हाँ, ऐसे ऐसे ही आती थी वो, ये छोटे साइज वाली होती थी, ये बड़े साइज वाली होती थी। जी 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 फुल झड़ी निकलेगी इसमें से। वाओ पैकिंग अच्छी है हाँ ना? या ये इसके पीछे सेंसर्स लगे यार, तुम लकी हो, तुम्हें ब्लैक मिल गई पूरी हाँ। अच्छा ये है सिल्वर है, ये गैलेक्सी वॉच 6 है। पहले मैं क्लासिक देख रही थी, मुझे नहीं पता था कि क्लासिक जो है वो बहुत बड़ी है, दैट वाज लाइक दिस बिग, और वो थोड़ी मोटी भी थी इससे। तो ये मैंने 40 mm ली है, बाकी सारी तो बहुत बड़ी लग रही थी मेरे हाथ पे। तो दिस वन लुक्स लाइक वाओ, हाथ भी अच्छा लग रहा है अब नहीं वो तो है यार एक तरह से ऑर्नामेंट है आपके हाथ का। ये हाथ मुझे दे दे कालिया हाँ, ठाकुर ठाकुर सी कालिया जी ठाकुर। इसमें क्या क्या आया है ये दे दे देख लें। अरे इसका चार्जर वगैरह भी होना चाहिए, होगा बीच में इसमें देखो होगा? जी 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 इसमें देखो, ये अच्छा है मतलब इस अडैप्टर इन्होंने भी नहीं दिया, अडैप्टर कोई भी नहीं देता अब, ऐसे लगेगा जी मैग्नेट है हाँ, ये है स्मॉल टू मीडियम साइज वाला बैंड है ये 20 mm का।
अभी इसको पहले ये ऑन ही होगी है ना, इसको ऑन कैसे करना है देखें, ये सीधा पहले फोन के साथ कनेक्ट होगा, इसको पहले ऑन करेंगे या क्या करेंगे, इसके इसके साथ डाटा भी कनेक्ट करना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने के लिए, उसने बोला था। बुक इसीलिए होती है पढ़ो इसे। तो मेरी वॉच तो चार्ज ही नहीं है, मैं इसको कब से ऑन कर रही हूँ, तो पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा। तब तक पाल जी आपकी खोल लें, कहाँ गई आपकी? मैंने ली है वो ट्रेल लूप है। पाल जी की तो चल पड़ी घड़ी। आपको चार्ज करनी पड़ेगी। चलो इसके ये कनेक्ट कर लो। तो ये ऐसे आती है, तो इसका अगर आपने देखना कि सही कौन सा है, तो ये देखो जहाँ पे लॉक लगा हुआ है ना। ये क्या हुआ? ऐसे सेम हो रहा है। पेयरिंग हो रही है, सेम हो रहा है। 49mm टाइटेनियम एंड सेरेमिक केस सेटअप। ये तो हमने पूछा ही नहीं था कि टाइटेनियम है कि कौन सी। जी भी होता है, रिस्ट प्रेफरेंस हो, लेफ्ट और राइट। अच्छा नहीं चलो। अच्छा ओ पासपोर्ट। ओके एक मिनट रुक जाओ, ये मेरा पर्सनल है। जो मैं वॉक करूंगा उसका जो हिसाब किताब लगाएगा। योर डेली स्टैंड गोल ये क्या है? कितने ओ टू गेट अप एंड मूव फॉर एटलीस्ट अ मिनट इन ईच आवर ऑफ योर डे। नहीं भाई इतना कहाँ होगा, ट्रक पे 6 आवर्स खड़े हो कहते। ये भी होता पूछा कि खड़े भी होना चाहिए, हम कितना खड़ा होते हैं जो तुम पानी चोना है, अपने आप ही ऑन हो जानी है। डेप्थ वेखनी है किन्ना तुम थले चल गए हो। तो अभी हम उठ गए हैं, सुबह हो गई है और अभी नहाए धोए नहीं कोई थोड़ा। गुड मॉर्निंग। तो अभी पहले सुपर बात, पहले हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे अभी नीचे, अभी हम लिफ्ट में हैं और फिर वापस आके थोड़ा टाइम रुक के फिर हम नहा धो के निकलेंगे यहाँ से। वाओ, और मेरी घड़ी कह रही है कि आपने स्टैंड गोल अचीव भी कर लिया और इट्स नॉट इवन नून येट, वेल डन। इतनी जल्दी? जी हाँ। हैं जी, दिखा 6 आवर खड़ा हुआ, मैं को 6 आवर खड़ा हुआ, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। आप बटन भी देख लो, क्या खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और बटन ही दबाया मैडम ने। लिफ्ट का बटन ही दबाया, कौन से फ्लोर पे चले। चलिए आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं यहाँ का। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कौन से फ्लोर पे क्या है, सो दैट बंदे को पता चल जाए लिफ्ट में जाते ही। एंड ब्रेकफास्ट में कॉफी है, चाय है और दूध भी है। एंड आई रियली लाइक इट कि इन्होंने मतलब ऐसे रखी हुई हैं कॉफीज। एंड पाल जी ने भी कॉफी पी थी। दो तरह के सॉसेजेस रखे हुए हैं इन्होंने और एग्स भी इनके पास दो तरह के थे, एक था चीज़ वाला एग्स और दूसरे स्क्रैम्बल्ड एग्स थे। हर एक के लिए अपना अलग उन्होंने टोंग रखा हुआ है सो दैट कि आप मिक्स ना करो। एंड साथ साथ में ही लड़की लेके आती रहती है अगर थोड़ा सा कम होता है। ओट्स हैं, सीरियल्स हैं, बच्चों के लिए जूस है, ब्रेड है और ये हमने अपनी प्लेट कर ली है तैयार। हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें ली हैं और काफ़ी अच्छा है इनका ब्रेकफास्ट। और बैठने का एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड है और मतलब प्रॉपर गैप है हर एक मतलब टेबल में, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड एट द एंड मैंने थोड़े से ओट्स लिए साथ में थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के। जो रिसेप्शन पे बैठा था उसकी शक्ल देखी थी जब हम बाहर को जा रहे थे खाके। तो ब्रेकफास्ट करके हम बाहर गाड़ी के पास चले गए, हमने निकालना था कुछ गाड़ी से, उसको लगा ये कहीं बाहर से आए हैं, अंदर आके ब्रेकफास्ट खा के और निकल रहे हैं। हाँ कि यही कह रहे हैं यहाँ पे। चले चलो। तो फिर से बटन दोबारा भूल गए। तो फाइनली सामान उठा लिया हमने सारा जी और हमारे 36 आवर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और फिर हम जाएंगे दोबारा ट्रिप पे। अभी हमारे कौन कौन से काम रहते हैं पाजी करने वाले? लॉन्ड्री और मैंने सॉक्स लेनी है और थोड़ी बहुत ग्रोसरी करेंगे और फिर चलेंगे। okay. आज हम अपने घर से निकलते हुए, मैंने तो रख दिया सामान, पाल जी आप भी रख दो, पिछली सीट पे रख दो।
तो अभी हम आए हैं लॉन्ड्री करने, क्योंकि हमने कल कपड़े नहीं धोए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, तो अभी हम करेंगे लॉन्ड्री और इसके बाद हम चले जाएंगे दोबारा से अपने ट्रिप पे कुछ ही घंटों में। और तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।